आप अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल साधारण सा DIY देने जा रही हूँ, जिसमें इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे हम ब्लैक टी। ब्लैक टी बहुत कॉमन चीज हर घर में आपको दिखेगी। अगर आप इसको अपने बालों पे लगाते हैं और उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, वो रिजल्ट्स आपको कोई महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी नहीं दे पाता है। इतना मैजिकली तरीके से ब्लैक टी आपके बालों पे काम करती है, और इसी का यूज आपको कैसे करना है वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड तक देखना है, पसंद आ जाती है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ब्लैक टी क्यों यूज करनी है, ताकि हल्का सा आपको विश्वास हो जाए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए कि हाँ यही वो इंग्रेडिएंट्स है जो मेरे बालों पे मैजिक कर सकता है। टैनिन होता है, फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके कैरेटिन प्रोटीन को आपके बालों में बांध के रखते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते हैं। कैरेटिन प्रोटीन वो चीज है जो आपके बालों को स्ट्रेट रखती है, शाइनी रखती है, हेल्दी रखती है, ये दिखाती है कि आपके बाल कितने हेल्दी हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो प्रोटीन है बालों में, आप उसको संभाल के रखें ताकि आपके बाल पतले ना बने। और वो कौन संभाल के रखेगा? ब्लैक टी अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड क्या करती है, अगर आपके बालों का जो कलर है नेचुरल कलर फेड हो चुका है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो चुका है, तो उसको भी ब्लीच करने का काम करेगी। ठीक है, DHT आपने सुना ही होगा, DHT जो एक मेन हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हेयर लॉस में, तो उसको भी ये ब्लॉक करके रखती है। ये आपके बालों को शाइनी तो बनाएगी ही बनाएगी, आपकी जो फोलिकल्स जो कि काफ़ी सिकुड़ चुके हैं, मुरझा चुके हैं, जिनके अंदर कोई जान नहीं है, उनको ये ग्रो बैक करेगी। ठीक है ना, तो इसका यूज आपको अपने बालों पे करना है। तो आप कोई भी ब्लैक टी यूज कर सकते हैं। मेरे पास हमेशा आप लोगों को मैसेज आते हैं कि आपका जो ब्लैक टी है इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन लीव्स किस चीज़ के हैं, तो ये मुझे नहीं पता किस चीज़ के, ये ब्लैक टी ही है, इसे मैं पीती हूँ, मतलब कि चाय बना के पीते हैं, और यही मैं अपने बालों पर यूज करने वाली हूँ। तो आपको एक पैन के अंदर ले लेना है आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, और फिर आपको 2 चम्मच जो कि आपको ब्लैक टी के साथ ही मिलती हैं, या फिर जो आपके घर में किचन में जो स्पून होती है बड़े वाली, वो 2 चम्मच आप यहाँ पे पानी के अंदर डाल सकते हैं। ब्लैक टी आपके हेयर लेंथ को इंक्रीज करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगी। जो आपके बाल डैमेज्ड हो चुके हैं, या फिर ज़्यादा आपको सन में बाहर धूप में काम करना पड़ता है, आपके बाल डैमेज्ड हो गए हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम करेगी ब्लैक टी। बहुत ही चीप, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है आपके लिए। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा आपका इंडियन गूजबेरी, यानी कि आंवला। आंवला के बारे में कौन नहीं जानता है, आंवला आपको आजकल मार्केट में हर एक प्रोडक्ट्स के अंदर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो स्पेशल आंवला से बने हुए हैं। तो आंवला आपके बालों में विटामिन सी ऐड करता है, जिससे आपकी स्कैल्प पे ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वो सही होगी, और जो न्यूट्रिशंस आप खाएंगे वो आपके बालों तक पहुंच पाएंगे अगर आप इंडियन गूजबेरी का यूज करते हैं। तो सिर्फ 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने डाल दिया है। किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो ड्राई आंवला आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई आंवला भी नहीं है तो आप आंवला जूस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छे से आपको इन्हें उबालना है, चम्मच के साथ आप घुमाते जाएंगे अच्छे से, ताकि जो ये है अच्छे से मिक्स हो जाए, और कम से कम 5 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है। 5 मिनट के बाद, पकाने के बाद आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। पानी आपका जो होगा उसे आप ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आपको एक साफ सा खाली सा कंटेनर चाहिए, उसके अंदर आप इसको स्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा, कितना ब्राउनी कलर यहाँ पे हमारा चाय पत्ती का आ गया है। बहुत ही मैजिकल वाटर है। इस वाटर को आप बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्ट है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अब आपको इसके अंदर डालना है, अगर आपके पास है एसेंशियल ऑयल्स तो आप डालिए, नहीं है तो मैं वो भी ऑप्शन देने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पे लवेंडर एसेंशियल ऑयल है, जिसकी मैं केवल 5 ड्रॉप इसके अंदर डालूंगी। ये आपकी हेयर लेंथ को इंक्रीज करेगा, और जो हल्का फुल्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा आपकी स्कैल्प पे, उसको भी ये ट्रीट करता हुआ चलेगा। बहुत ही अमेजिंग तरीके से एसेंशियल ऑयल्स काम करते हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा घना बनाना चाहते हैं तो एसेंशियल ऑयल्स आपके पास होने चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जिनके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, एलोवेरा जेल है, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल की 1/2 चम्मच आपको इसके अंदर मिक्स कर देनी है। आप चाहे तो एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं और एलोवेरा भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, और ये बनके तैयार है आपकी रेमेडी। ओके, यूज
यूज कैसे करने हैं। अगर आप इसको एज टोनर लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगाएंगे हेयर वॉश करने से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पहले। आपको एक कॉटन ले लेनी है, बाउल के अंदर आपको रेमेडी डाल लेनी है और उस कॉटन के साथ आपको अपनी जड़ों पे, बालों की जो जड़ें हैं, जो स्कैल्प है उसके ऊपर आपको अच्छे से टैप टैप करते हुए ये रेमेडी लगानी है। अपनी पूरी हेयर लेंथ पे आपको लगानी है अच्छे से और फिर आपको केवल आधे घंटे के लिए इंतजार करना है और उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं। पहला तरीका। सेकंड तरीका ये है कि पहले आप शैम्पू कर दीजिए और उसके बाद एज ए रिंज वाटर आप आज के DIY को यूज कर सकते हैं। रिंज वाटर की तरह है, मतलब शैम्पू के बाद अपने सिर पे इस पानी को डाल लें, केवल 5 मिनट तक रखें और उसके बाद सिंपल पानी से आप वॉश कर सकते हैं। आपको विश्वास भी नहीं होने वाला है कि आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप आज का DIY अपने बालों पे लगाते हैं, इसका यूज अगर आप कर लेते हैं तो अनगिनत फायदे हैं। अगर अब भी आप ब्लैक टी को यूज नहीं करेंगे ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं। इसे आपको जरूर यूज करना है, वीक में 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।